ना मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं बोलती हूँ, आप बताइएगा मिथ है या फैक्ट है। श्योर। कैंसर या गांठ की जांच कराने से कैंसर फैल जाता है। मिथ। कैंसर की जांच कराने से ही हमें ये पता पड़ेगा कि वो कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एल्डरली वुमेन में होता है। मिथ है। ये यंग फीमेल्स में भी मिलता है, एज यंग एज 20 ईयर्स। अंडर वायर ब्रेजेस पहनने से कैंसर हो सकता है। नहीं, अगर अंडर वायर ब्रेजेस बहुत टाइट हैं तो स्किन का कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स में होता है। मिथ है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी मिलता है। क्या डिओडेंट्स यूज करने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मिथ। नहीं, HPV वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर को 100% रोक सकती है। यस, इट्स अ फैक्ट। मैम, किस एज में लगाई जा सकती है? जो आइडियल एज है दैट इज 11 to 15 ईयर्स। तब हमें दो डोज लगानी पड़ती हैं 6 मंथ्स के गैप के ऊपर। बट अबव द एज ऑफ 15 ईयर्स देर आर 3 डोजेस। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स वाली फीमेल्स ही सर्वाइकल कैंसर के रिस्क में रहती हैं? नहीं, मिथ है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर इज वन कॉज, अदर देन दैट अल्कोहल, स्मोकिंग, पुअर हाइजीन, ये अदर कॉजेज हैं सर्वाइकल कैंसर के। मैम, कैंसर पेशेंट्स के साथ खाना खाने से कैंसर हो सकता है? नहीं, ये मिथ है, ये संक्रामक बीमारी नहीं है। प्लास्टिक के जो टिफिन होते हैं उनमें हम गर्म खाना अगर रखते हैं तो वो कैंसर कॉज करता है। इट इज अ फैक्ट। लंबे समय तक अगर ये चीज रहती है तो डेफिनेटली जो फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं है उसमें अगर आप गर्म खाना रखते हैं तो जो केमिकल्स हैं वो फूड में इन्वॉल्व होते हैं और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं।